हाय फ्रेंड्स, माय नेम मोहम्मद साकिर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल साकिर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको टॉप ट्रिक बताऊंगा आपके स्मार्टफोन को जो कि आप नहीं जानते। जी हाँ फ्रेंड्स, आप नहीं जानते, तो जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ। सो सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है वो है फ्रेंड्स, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे, आपके सिम में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो आपके लिए नंबर सेव किए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको यह चाहते हैं कि वह नंबर आप कभी भी ना डिलीट हो, मतलब कभी भी ना डिलीट हो वह एक जगह ऐसे रहे जो कि सेफ़ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड सेटिंग ओपन करने के बाद आपको आना है अकाउंट में, एंड उसके बाद गूगल के ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप इसमें से कोई जो आपका ईमेल आईडी है, जीमेल है, उसको ओपन करेंगे। जब क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, जीमेल, गूगल फीड डाटा, ये सब बहुत सारे आपको गूगल के फीचर मिल जाएंगे। तो आपको इसमें इनेबल करना है कॉन्टैक्ट को, इसको इनेबल कर देना है। देन उसके बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है, एंड उसके बाद आपको आना है कॉन्टैक्ट पे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तीन डॉट डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सिम कार्ड। यानी कि अगर आप अपने नंबर को सिम कार्ड में सेव किए हैं, वहाँ से आप अपने गूगल जीमेल कॉन्टैक्ट के ऊपर, गूगल कॉन्टैक्ट में आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड वन के ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप सिम वन पे या जहाँ पे भी हो, सिम वन या टू में, वो आपके स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नंबर किस सिम वन में सेव किया है या सिम टू में, वो आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको आज कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह जब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको उस ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आप नंबर को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको सर्च करना है जिसे आप, अब आपको उस नंबर को यहाँ पे सर्च करना है जिसे आप नहीं चाहते वह नंबर आपका कभी भी खो जाए, या डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि शफीक जो हमारा फ्रेंड है उसका नंबर कभी भी डिलीट ना हो या फिर कोई भी ना देख पाए, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसके ऊपर सही टिक के ऊपर क्लिक कर दूँगा, एंड उसके बाद ओके क्लिक करूँगा, या इंपोर्ट हो गया, तो यह नंबर सेव हो गया फ्रेंड्स हमारे गूगल कॉन्टैक्ट में, यानी कि गूगल के सर्वर पर यह अपलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, जीमेल आईडी और पासवर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आप अपने कॉन्टैक्ट को, तो हमारा जो नंबर है फ्रेंड्स वो गूगल के सर्वर पे अपलोड हो चुका है। अब आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एंड कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ईमेल आईडी पे आपने सेव किया था उस कॉन्टैक्ट को, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शफीक का जो नंबर हमने सेव किया था अपने गूगल कॉन्टैक्ट में, वो सेफ हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड याद है, आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप में या किसी के भी मोबाइल में आप अपने कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं बिना किसी सिम में के प्रयोग से। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बस आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, फ्रेंड्स दूसरा जो मैं ट्रिक टिप्स बताने वाला हूँ वो यह है कि फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, एंड उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे सेटिंग बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आपको किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली अपना सेटिंग ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगा साउंड एंड नोटिफिकेशन, एंड उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एमएक्स प्लेयर के ऊपर हम यहाँ पे चॉइस किए हैं, एंड उसके बाद ब्लॉक कर देंगे, तो एमएक्स प्लेयर की कोई भी नोटिफिकेशन हमें नज़र नहीं आएगी यहाँ पर।
जैसे ये सब नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कॉल फॉरवर्डिंग के ये सब, तो मैं अगर इसको ब्लॉक कर दूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज़रूर लाइक कीजिए। सो आज के वीडियो में बचते हैं, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।